बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ यार, बड़ी तबीयत 2-3 दिन खराब, 2 दिन मामा की तबीयत बहुत खराब रही है ना, वो कटिंग स्किल्स चेक करो, ये हमें भी नहीं ऐसी सब्जियां काटनी आती जितनी अच्छी इसको काटनी आती हैं सब्जियां। हो गया था फ्राई, अब इसके अंदर जो है वो चिकन डाल दिया है, बॉल भी गई हैं, अब इसके अंदर जो है ना वो क्रीम ऐड होगी। सारे देखने वाला जो है ना वो पहला डाल के देखते हैं, बिस्मिल्ला। वाह वो प्लेट पे लेके जाऊंगा भैया, कहते पहले अपनी वो दूसरी लेके आओ ना, पहले दूसरी भाभी, दूसरी भाभी लेके आओ, फिर लेके आओ। मर्दों का ये शौक दूसरी शादी वाला, ये कोई भी नहीं खत्म हो सकता। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, है खैरियत से। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। जो तो है चैनल पे न्यू और पुराना, सब चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा लो। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। स्लिपिंग ऑफ टंग, जैसे कि आप लोगों को लास्ट व्लॉग में पता है कि मेरा आ गया है भाई सऊदी अरब से, सो होने ये वाला है कि आज हमने करवानी है जी उससे कुकिंग। आज उसको एक चैलेंज मिला है, वो कहता है मैंने वहाँ पे कुकिंग सीख ली है और मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो हमने कहा व्हाई नॉट, फिर हमारी आप खिदमत करो। हमने 2 दिन आपकी खिदमत कर ली है, अब जो है ना आपने हमारी खिदमत करनी है। सो आज वो बनाने जा रहा है एक स्पेशल किस्म की बोनलेस हांडी, जो कि हमने उससे बनवानी है। मैं साथ में उसके खड़ी होंगी, हेल्प कोई नहीं करवानी है, उसमें सारा कुछ खुद ही करना है। सो लेट्स गो टू द किचन। व्लॉग बहुत ही मजे का होने वाला है, तुम लोगों ने सारा एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। लेट्स गो टू द किचन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गाइस, कैसे हो? ठीक गाइस, बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ यार, बड़ी तबीयत 2-3 दिन खराब, 2 दिन मामा की तबीयत बहुत खराब रही है सफर करके। हाँ, आपको ये सबसे पहले यार इतना स्लो नहीं बोलना, जल्दी ये बताओ कि आपका बेटा आज कुकिंग करने लगा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इधर तो मेरे बेटे को ग्लास पकड़ के भी नहीं रखना आता था। ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं है, रखना चाहिए ग्लास रख सकता नहीं, है बंदा नहीं, इतना नहीं चाहिए। वैसे माशाल्लाह आजकल बड़ा मजे का बनाता है वो। इसने कहा मैं उधर बनाता हूँ खाना वाना। ओके बाय, बहुत स्लो बोल रही हूँ। ओके जी, हम आ गए हैं जी किचन में, इससे पूछ लेते हैं कि इसकी क्या रेसिपी है और इसमें क्या क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। व्हाट्स इन द मेन्यू? व्हाइट कोरमा। व्हाइट कोरमा, व्हाइट कोरमा बनने जा रहा है जी हमारे किचन में, और यहाँ पे जो है ना वो तैयारी शैयारी शुरू हो गई है। इधर क्या रखा है? ओए, इसमें प्याज है और कुछ, इसका ढक्कन तो उठाओ यार, ये इधर मैं ना तुम लोगों को ढक्कन उतार के दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें क्या रखा है? ये प्याज है और बादाम। बादाम, ठीक है, तो इसको पानी में बस रखा है? बस पानी में, और कुछ नहीं। नाइस। अच्छा जी, प्याज रख दिए हैं इसने पानी में और साथ में डाल दिया है बादाम डाल दिए हैं, और अपना यहाँ पे परीजा ड्रामा लगा के देख रहा है। क्रीम आ गई हमारे पास, चिकन जो है वो वहाँ पे डिप करके रख दिया है बोनलेस, ये कोई जेल फ्रीजी टाइप बनेगा, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप जो है ना मैं तुम लोगों को बताती हूँ। ओके जी, जो हमारा मसाला था ना ये प्याज वगैरह वाला, ये तो हो गया है जी डन, इसको अब छिलके उतार के इसको करना है ग्राइंड करना है, ग्राइंड करना है छिलकों के साथ। चलिए, ये होगा जी छिलकों के साथ ग्राइंड, और इधर जो है ना वो कटिंग स्किल्स चेक करो, ये हमें भी नहीं ऐसी सब्जियां काटनी आती जितनी अच्छी इसको काटनी आती हैं सब्जियां। शेफ की गाजर कट रही है, और यहाँ पे जी शिमला मिर्च डलेगी अंदर, और क्या डलेगा अंदर? बंद गोभी। बंद गोभी डलेगी? ओके, और इसके अंदर बंद गोभी डलेगी, अगर किसी को नहीं पसंद तो वो ना डाले, ठीक है। रेसिपी बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए तुम लोगों ने एंड तक देखनी है। कॉलिंग समवन। चलें जी गाइस, नमाज का टाइम हो गया था, मैं चली गई थी नमाज पढ़ने, और हमारा गैस जो है ना वो बंद हो गया था, अब गैस जो है वो आ गया है, तो नेक्स्ट प्रोसेस तुम लोगों को दिखाते हैं जी। ओए नहीं, ठीक है, कढ़ाई ऊपर रख दी है जी धोकर, और इन निशानों को मैं इग्नोर कर दूँ, ये घरों की कढ़ाइयाँ ऐसी ही होती हैं। ओके, कोई क्रिटिसाइज ना करे अब आके। खैर जी, यहाँ पे मेरे पिरा ने मसाले डालने शुरू कर दिए हैं, ये क्या क्या डाला है ब्रो, साथ साथ में बताते भी जाओ। ये है छोटी इलायची? नहीं जी, नहीं छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है। ओके जी, दालचीनी है, इसको करीब से भी दिखा देते हैं जी, ये सारी चीजें भी अंदर जाएंगी, और ये वो जो प्याज और वो क्या था, बादाम, हाँ प्याज और बादाम ये भी हो गए, ये सब्जियां भी कट गई,
बस तैयारी जो है ना वो हमारी पूरी पूरी है। अब जो है वो ऑयल डालना है हमने, थोड़ा सा जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल जो है ना वो इसके अंदर जाएगा। और इसके अंदर और क्या, पहले लहसुन अदरक का पेस्ट या पहले ये? बस ये चार पांच चीजें देंगे इसमें, और कलवंजी जाएगी थोड़ी, ठीक है, कलवंजी जाएगी। ओके, कैसा लग रहा है आपको, आपका बेटा कुकिंग कर रहा है मामा जी? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, मेरा अच्छा बेटा मेरे साथ है। हाँ। आज घर में है, रौनक है, खुशियां है। लेकिन मामा की जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं है, वो आज असल में ना जरा बुखार की वजह से थोड़ा डल बोल रही है, लो बोल रही है। यार मैं रोला पाऊं, और ये तो कहती है मामा बहुत रोला डालती है। यार गाइस आप लोगों को पता है किसकी अम्मी रोला नहीं डालती घर में, ईमानदारी से बताना मामा, सारी अम्मियां रोला डालती है, लोगों को पता है। सही है ना, रोला भी ना डाले तो अच्छा तुम जी भी ना सीधे हो। मामा हम सीधे ही हैं, टेढ़ी तो मैं कहीं से भी नहीं हूँ, टेढ़ी नहीं है हम। अच्छा जी ये मसाले डाल दिए अंदर सारे, साबुत, ओके ठीक है, ये सारे ऐसे होंगे। घी डालना देख लो, अगर थोड़ी जरा वो ग्रेवी या तरी सी बनानी है तो फिर और डाल लो। गाइस मसाला जो है ना वो हो गया था फ्राई, अब इसके अंदर जो है वो चिकन डाल दिया है बोनलेस, शेफ स्पेशल। अच्छा जी चिकन जो है वो हमारा हो गया है फ्राई, यहाँ करके कैमरा रखना पड़ा है। और इसके अंदर जी लहसुन अदरक भी डाल दिया है, अब डाल रहा है क्या डाल रहा है, सूखा धनिया और जीरा, जीरे का। अब इसको जो है वो अच्छी तरह भूनना है, और फिर पता नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होना है। नेक्स्ट इसके बाद मेरे ख्याल में इसमें वो पेस्ट जाएगा जो प्याज वाला बना के रखा है। नहीं सबर रखू, बहुत सीरियस होकर कुकिंग हो रही है, ये थोड़ा सा हंस दो तुम्हारी मेहरबानी ऑडियंस ने कहना, पता नहीं मुंडे को हरे कोट के कुकिंग करा रहे हैं या पता नहीं मार के खिला रहा है या सुनने दो। हमारी जो हांडी है ना लाइक जल से भी जो भी है इस डिश का नाम बाद में सोचेंगे, वो हमारी करीब करीब पहुंच गई है। सब्जियां जो हैं वो इस साइड पे सौते हो रही हैं थोड़ा सा ऑयल डाल के, और इस साइड पे जो है वो पेस्ट अंदर डाल दिया जो कि प्याज का बनाया था और बादाम का, ठीक है, वो भी इसके साथ हो गया है ऐड। अब जो क्रीम है ना वो होगी इसके अंदर एंड पे ऐड, और ये सब्जियां जो हैं ये करके तो उसके अंदर डाल देनी है। वैसे मुझे तो डिलीशियस लग रहा है सोच सोच के, बस इसके बाद जो है ना रोटी मैं बनाऊंगी। चलो जी अब सब्जियां जो है ना वो हमारी हो गई हैं सौते, और ये इसके अंदर कर देते हैं जी ऐड। बिस्मिल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, इंशाल्लाह खाने में भी इतनी अच्छी होगी। हाँ इंशाल्लाह, बस सब्जियां जो हैं वो ऐड हो गई हैं। अब ना इसके अंदर इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसके अंदर सारा वो टेस्ट आ जाए, और उसके बाद जो है ना एंड के ऊपर इसके ऊपर वो काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया शनिया और मिर्चें और क्रीम जो है ना वो फिर एंड पे ऐड करनी है। अभी इसको 5 मिनट्स ढक्कन दे के सब्जियों के साथ ऐसे ही पकाना है। रेसिपी भी तुम लोगों को साथ साथ दे रही ना, नोट कर लो, ये बड़ी मज़े की बन रही है कि हमारी जो सब्जियां हैं ना वो भी अंदर सौते हो गई हैं, यानी कि गल भी गई हैं। अब इसके अंदर जो है ना वो क्रीम ऐड होगी, सारी डाल दी। शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है। बस जी इसको जो है अब वो दम शम पे रख देते हैं। हमारी जो है ना शेफ स्पेशल ने हमारी जेल फ्रेजी तैयार कर दी है हमारे लिए, और मैं 2 रोटियां खाऊंगी आज, ठीक है। अच्छा दूसरी साइड पे जो है वो यहाँ पे वो टिक्के और कबाब मैंने दम पे रखे हैं, उस साइड पे वो सालन हो गया। अब जो है ना मैं रोटियां बना लेती हूँ साथ में, ठीक है। मैं आटा ले आई थी निकाल के, दूसरी साइड पे जो है वो मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलिए जी गाइस अब जो है ना खाने का टाइम आ गया और रिव्यू देने का टाइम आ गया कि बना कैसा है, ठीक है। तो एक नवाला जो है ना वो पहला डाल के देखते हैं, बिस्मिल्लाह। वाह बच्चर बुत्ते जिद्दाबाद, वाकई यार नहीं कैमरे की बात नहीं, कसम से वाकई अल्लाह की कसम बहुत मजेदार बना है, कसम है। शेफ जिंदाबाद, मम्मा अब आप डालो खा के देखो कैसा है। मजे का है ना, माशाल्लाह वेरी नाइस है ना, बहुत मजे का बना है, जबरदस्त। लो भाई आपका इनाम बन गया, अब आपको तोहफा मिलेगा इसका, अब आपको तोहफा, ठीक है। वाह 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 वाह। चलो जी गाइस अब खाना खाना खा ले। अच्छा जी खाना तो जो है ना वो हमने लिया है खा, और खाना बना भी बहुत मजे का था, उसकी तारीफ की बात नहीं है। वैसे अब मुंह पे नहीं खड़ा लेकिन सच में कसम से बहुत मजे की बनी थी, जो भी इसको आप कह लो बोनलेस हांडी कह लो जलफ्रेजी कह लो, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी थी।
हम सबने खा लिया, उसके बाद अब खा तो लिया इतना आज के दिन, फिर मैंने डाइट भी नहीं की, लेकिन फिर मैंने कहा अब ग्रीन टी पी लूँ और फिर छत पे जाके थोड़े से चक्कर शक्कर लगा लिए जाए, है ना यू नो। तो बस ग्रीन टी मेरी हो रही है। सवेरा इधर आओ, सवेरा इधर आओ। अच्छा जी, ग्रीन टी भी मेरी हो गई। अब ये जो सारे बर्तन है ना, ये सारे नजर आ रहे हैं, ये मैंने रिमशा की ड्यूटी लगाई है। मैंने कहा बर्तन जो है ना वो तुमने धोने हैं, अब बर्तन मैं नहीं धो रही, ठीक है। बस जी, मैं आप लोगों को ना थोड़े दिन पहले भी बता रही थी कि जब ना भाई इस तरह से आ जाता है ना घर पे, फिर ये ना मतलब ये चहल पहल और इस तरह बड़ी रौनक जो है ना वो घर में लगी रहती है हमारे। हम इंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को, और वो जैसे मतलब कि रूटीन में सारी चीज़ें हो रही होती हैं ना, उस तरह नहीं होती। चले जी, ये वैसे मेरी थोड़ी कम ही रह गई है, मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा बनाई थी, थोड़ी हो गई है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसी तरह जो है ना वो चहलकदमी फिर घर पे रहती है, फिर दिल भी लगा रहता है और ना मज़ा भी आता है सारी चीज़ों में, वरना हम अकेली औरतें होती हैं फिर बंदा क्या कर ले। वो जितनी भी हम एक्टिविटी करने की कोशिश करें फिर उस तरह से नहीं हम कर सकते कि जिस तरह उसके होते हुए हम करते। सवेरा इधर आओ, मैं कितनी दफ़ा बुलाया है। बस यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं तो मैंने कहा था कि तुम उसको कह रही है ग्रीन टी मेरी डाल देना। और क्या कह रही है क्या कह रही है? मैं कह रही थी भैया डेट पे लेके जाऊंगा, भैया कहते पहले अपनी वो दूसरी लेके आओ ना, पहले दूसरी भाभी लेके आओ, फिर ले। मर्दों का ये शौक दूसरी शादी वाला, ये कोई भी नहीं खत्म हो सकता, चाहे हमारे अब्बू हो, चाहे हमारे भाई हो, या फिर चाहे हमारे शौहर ही क्यों ना हो, ये दूसरी शादी वाला जो भूत होता है ना, ये कभी भी नहीं उतर सकता आपके सर से, है ना। चलो फिर तुम नई भाभी ला के दोगी भाई? भाई देखने गई थी, मैंने कहा देख के आती हूँ कोई नई। और पागल, तुमने ग्रीन टी रखी हुई थी वो नहीं देख रही थी, सारी सूख गई, जलने वाले थे, और मैं इसलिए आ गई। मैंने कहा अब मैंने डाल ली है, अब मैंने डाल ली है। चले जी, मैंने ग्रीन टी डाल ली है, वैसे ये रख के चली गई थी, बहुत ही गैर जिम्मेदारी का जो है ना इसने मुजाहरा किया है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को एक और चीज़ दिखानी थी। मैंने ना आजकल क्योंकि डाइट स्टार्ट की हुई है, मेरा इरादा है कि मैं ना दिसंबर पूरा जो है वो डाइट करूँगी इंशाल्लाह, और पूरी कोशिश है 8 से 10 किलो उड़ा देने हैं मैंने अपने इंशाल्लाह। ये मैंने अपने आप को चैलेंज दी है और मैं इंशाल्लाह पूरा करूँगी। अच्छा, ये जो मखाने हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं, इसको ना मम्मा ने 1 चम्मच देसी घी डाल के ना मुझे रोस्ट करके दे दिया है, तो स्नैक के तौर पर मैंने रख लिए हैं, लाइक एक मूठ जो है वो निकाल के तो आप इसको खा लो। एक तो आपकी कमर वगैरह में, जो लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत अच्छे हैं, तो ये अम्मियाँ जो होती हैं ना उनकी बात मान लिया करो, ये बाद में ये चीज़ें जो है ना वो हमारे काम आती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें मैंने करके रखी हुई हैं। बाकी ये है कि डाइट का ना हमारे मतलब कल्चर में उस चीज़ को ये समझा जाता है कि डाइट कर रही है तो बस पता नहीं शायद घास फूस या इस तरह की चीज़ें खाएगी। मैं नहीं ऐसे डाइट करती, डाइट का मतलब होता है अच्छा खाना, मतलब क्लीन खाना, नीट खाना। और ना बाज़ औक़ात ऐसे होता है, जैसे आजकल मेरा वेट ना स्टक हुआ हुआ है, 72-73 ऐसे मेरा वेट ना स्टक रहता है, लेकिन आपको लगे रहना चाहिए, मज़ीद 10 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो हटेगा ना उधर से। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये तुम लोगों को बताऊँ, कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज़ होती है जब आप वेट लॉस करते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ें तो हो गई, व्लॉग भी हो गया, फिर काफ़ी देर से शुरू किया हुआ, मैं ना थक जाती, मैं इतना लंबा व्लॉग बना नहीं सकती क्योंकि इतनी रूटीन भी नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि जैसे जैसे नई नई चीज़ें हों घर पे मैं तुम लोगों को, सारे कोई इवेंट होता है तो वो भी दिखाऊँ, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ। अब यार क्योंकि मैं अकेली व्लॉगर हूँ अपने घर में, थोड़ा थोड़ा वैसे घर वालों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है मेरे साथ, तो अच्छे अच्छे फैमिली कॉन्टेंट के साथ प्यारे प्यारे मज़े मज़े के व्लॉग मेरा दिल करता है कि मैं बनाऊँ सिंपल डिसेंट। अब ऊट पटांग मुझसे होता नहीं, आगे जाके फैमिली बड़ी होगी तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे क्या बनता है। सो जी, आई होप कि आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग देख के बड़ा मज़ा आया होगा और कुकिंग को तुम लोगों ने इंजॉय किया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और क्या करना है, हाँ चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है। मिलती है तुम लोगों को कल वाले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। तब तक टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।